मुरादाबाद किसान यूनियन से रामपुर दिल्ली हाईवे पूरी तरह से जाम कर दिया गया। वहीं आपको बता दे चले कि किसान यूनियन ने केंद्र सरकार को लेकर प्रदेश सरकार को चताया है कि जल्द से जल्द किसानों का बकाया भुगतान नहीं कराया तो पूरे प्रदेश किसान यूनियन धरना देगा। प्रदेश के अंदर जिस तरह से किसानों को लेके एक आम राय बनी है और जो जिस तरह से गन्ने के भुगतान को लेकर किसान आंदोलित है और आंदोलन कर रहे हैं, उसी में आज किसानों ने नेशनल हाईवे दिल्ली रामपुर को जाम कर दिया है। आप देख सकते हैं किस तरह किसानों ने हाईवे पर अपना कब्जा कर रखा है। जहाँ देखो लंबी लंबी लाइनें हैं और लाइनों में जो लोग अपने घर से निकले हैं अपने अपने घर पर जाने के लिए कार्य से, वो भी कहीं ना कहीं इन लाइनों में फंस चुके हैं और किसानों ने ये समझ लीजिए कि ये धरना प्रदर्शन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। किसानों ने अभी तो देर पहले ही कल लंबी होली जलाई थी, लेकिन किसानों का सीधा सीधा ये कहना है कि यहाँ पे जो केंद्र सरकार है प्रदेश सरकार है वो किसानों के जो बकाया भुगतान है उसकी अनदेखी कर रही है और किस तरह अनदेखी करेगी। किसानों से वादा किया था सरकार में आने से पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने कि हम अगर सरकार में आते हैं तो हम किसानों का जो भी बकाया भुगतान होगा वो हर महीने करेंगे, लेकिन किसान इस बात को लेकर संतुष्ट नहीं है। अब मैं चाहूंगा अपने कैमरा पर्सन से कि वो दिखाएं कि किस तरह से सामने किसान अपनी यही कह रहा है कि कब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हम इन नेशनल हाईवे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और कोई बात अभी तक किसानों द्वारा सुनी नहीं गई है और किसानों और सूत्रों का कहना है कि अभी यहाँ एसडीएम या एडीएम के अधिकारी यहाँ रुके में आएंगे और किसानों का विरोध रखेंगे या किसान इस बात को लेकर धरना खत्म करेंगे। ये अपने आप में सवाल खुद खड़ा है कि किसान आखिरकार इस कदर आंदोलन क्यों हो रहा है देश के अंदर, जब देश के अंदर देश की सरकार कहती है कि किसानों का कोई भी वाजिब दाम फसल को लेकर कहीं भी मारा नहीं जाएगा, लेकिन किसान अगर आंदोलित है तो इनमें सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी साबित होती है। कैमरा पर्सन साहिद हुसैन के साथ नसीम लाल, पीएमएम न्यूज मुरादाबाद। ज्ञापन में